मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम स्टील के डेजिग्नेशन के बारे में बात करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टील को कैसे डेजिग्नेट किया गया है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम किए हैं तो वहाँ पे स्टील को पहचानने के लिए स्टील का डेजिग्नेशन दिया रहता है। वो डेजिग्नेशन को देख के हमें पहचानना पड़ता है कि वह स्टील प्लेन कार्बन स्टील है कि अलॉय स्टील है, और उसमें कंटेंट्स कितने हैं, उसमें अलॉयिंग कंटेंट्स किस परसेंटेज में है, यह सब चीज हमें पता चल जाती है स्टील के डेजिग्नेशन को देख के। तो आज के इस वीडियो में हम स्टील के डेजिग्नेशन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि डेजिग्नेशन देख के आप कैसे पहचान सकते हैं कि स्टील में अलॉयिंग एलिमेंट्स का कंपोजिशन क्या है या फिर स्टील का टाइप कौन सा है। तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टील को डेजिग्नेट दो तरीके से किया गया है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से स्टील को कैसे डेजिग्नेट किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड में। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से सिर्फ कार्बन स्टील और अलॉय स्टील को ही डेजिग्नेट किया जाता है। अगर हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से की जाने वाली पुरानी कोडिंग के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको एक लेटर दिखता है ST और उसके बाद एक नंबर लिखा रहता है। यह नंबर अमूमन 3 डिजिट का रहता है और यह पुरानी कोडिंग है कार्बन और अलॉय स्टील को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से इसमें डेजिग्नेट किया जाता है। तो ST के बाद 3 डिजिट का अमूमन एक नंबर लिखा रहता है और यह नंबर हमें बताता है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है स्टील का kg/mm² में। और जो न्यू कोडिंग है जिसके हिसाब से कार्बन और अलॉय स्टील को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से डेजिग्नेट किया गया है उसमें फर्स्ट लेटर FE रहता है, उसके बाद अमूमन 3 डिजिट का कोई नंबर रहता है और यह नंबर हमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है उस स्टील की N/mm² में। जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो स्टील का डेजिग्नेशन अगर Fe410 है तो इस स्टील की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 410 N/mm² रहेगी, या फिर अगर स्टील का डेजिग्नेशन ST410 है तो उस स्टील की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 410 kg/mm² रहेगी। तो जहां भी ऐसा एप्लीकेशन रहता है जहां पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें देखना बहुत जरूरी रहता है तो उस समय हम अगर कार्बन स्टील या अलॉय स्टील लेने जाते हैं तो उस समय हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से डेजिग्नेटेड की गई हुई स्टील को देखते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड में केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से भी स्टील को डेजिग्नेट किया गया है। जहां भी अगर स्टील में हीट ट्रीटमेंट हुआ रहेगा तो वहां पे केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से स्टील को डेजिग्नेट किया जाएगा। जहां भी हम ऐसी स्टील लेने जाएंगे जिसमें हीट ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, प्लेन कार्बन स्टील है या अलॉय स्टील है लेकिन उसमें हीट ट्रीट नहीं किया गया है और हमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से ही स्टील को लेना है तो उस समय हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का डेजिग्नेशन देखेंगे। लेकिन जहां भी कार्बन स्टील हो या अलॉय स्टील हो और इसे हीट ट्रीट कर दिया गया है तो उस समय हम केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से डेजिग्नेट करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड में कार्बन या अलॉय स्टील को। दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन स्टील के बारे में बात करते हैं। प्लेन कार्बन स्टील के इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से किए गए डेजिग्नेशन के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेन कार्बन स्टील का जहां भी आप डेजिग्नेशन देखेंगे वहां पे पहला लेटर C रहेगा और उसके बाद कुछ नंबर रहेगा जो कि एवरेज कार्बन कंटेंट कितना है स्टील में वह हमें बताएगा। जैसे कोई प्लेन कार्बन स्टील का डेजिग्नेशन C14 है तो इसका मतलब है कि इस स्टील में कार्बन कंटेंट 0.14% है। C14 जिसका मतलब था इसमें कार्बन कंटेंट 0.14% प्रेजेंट है उसको नई तरीके से अब डेजिग्नेट किया गया है और उसके हिसाब से उसका नया डेजिग्नेशन है 14C4 है वह एवरेज कार्बन कंटेंट रिप्रेजेंट कर रहा है जब आप इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। और सी के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वह एवरेज मैग्नीज कंटेंट कितना है स्टील में उसे बता रहा है अगर आप इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब 14C4 अगर किसी स्टील का डेजिग्नेशन है तो वह प्लेन कार्बन स्टील है जिसमें 0.14% कार्बन है और 0.4% मैग्नीज है। अब अगर हम अलॉय स्टील के बारे में बात करें कि अलॉय स्टील को कैसे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से डेजिग्नेट किया गया है तो अलॉय स्टील में पहला लेटर सी नहीं रहता, पहला नंबर रहता है वो एवरेज कार्बन कंटेंट को शो करता है जब आप उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद
अलॉइंग एलिमेंट का सिंबल रहेगा, उसके बाद जो नंबर रहेगा वह अलॉइंग एलिमेंट के परसेंटेज को शो करेगा, उसके बाद फिर अलॉइंग एलिमेंट का सिंबल रहेगा और जो नंबर रहेगा उसके बाद वह अलॉइंग एलिमेंट के परसेंटेज को शो करेगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि अलॉय स्टील के केमिकल कंपोजिशन को आप देखेंगे तो वहां पे फर्स्ट डिजिट जो सी जो प्लेन कार्बन स्टील में रहता था वो यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में ही कुछ नंबर रहेगा, उस नंबर को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो सीधे वह एवरेज कार्बन कंटेंट को शो करेगा, और उसके बाद एलॉइंग एलिमेंट का सिंबल रहेगा और एलॉइंग एलिमेंट का परसेंटेज उसके बाद लिखा रहेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से एलॉय स्टील के डेजिग्नेशन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। मान लीजिए कोई एक एलॉय स्टील है जिसे नाम दिया गया है 15Cr65, तो इसमें 0.15% कार्बन है और क्रोमियम है 0.65%। और एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर किसी अलॉय स्टील को नाम दिया गया है 20Cr18Ni2, तो इसमें 0.2% कार्बन है, क्रोमियम 18% है, निकल 2% है। अब कंफ्यूजन यहीं पे आ जाती है, जो मैंने पहला एग्जांपल बताया 15Cr65 का, तो उसमें जो फर्स्ट टू डिजिट है उसका तो कॉन्सेप्ट एकदम आसान है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी नंबर आएगा वह कार्बन कंटेंट को शो करेगा। तो 15 है तो 0.15% कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन क्रोमियम के बाद 65 लिखा हुआ और 65 के नीचे एक बार है, तो यहाँ पे जब भी किसी नंबर के नीचे बार रहेगा तो उसका मतलब है कि उस अलॉइंग एलिमेंट का परसेंटेज 1% से कम है। जबकि अगर जो दूसरा मैंने आपको एग्जांपल बताया जिसमें स्टील का डेजिग्नेशन मैंने आपको बताया 20Cr18Ni2 का, इसमें कहीं पे भी नीचे में नंबर के नीचे बार नहीं है, अलॉइंग एलिमेंट के बगल में जो नंबर लिखा है उसके नीचे बार नहीं है, इसका मतलब उसका परसेंट 1% से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्रोमियम हमने 18% लिया और निकल हमने 2% लिया। तो अलॉय स्टील का डेजिग्नेशन के समय किसी भी अलॉइंग एलिमेंट के बगल में जो नंबर लिखा है उसके नीचे अगर बार है तो वह अलॉइंग एलिमेंट 1% से कम है, और उसे आपको फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा उसका कंपोजिशन पाने के लिए। जब यह है स्टील का डेजिग्नेशन इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। दोस्तों आज हम लोगों ने स्टील के डेजिग्नेशन के बारे में बात की, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से किस तरह स्टील को डेजिग्नेट किया जाता है मैंने आपको बताया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से डेजिग्नेशन, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से डेजिग्नेशन, नए तरीके का पुराने समय में किस तरह का डेजिग्नेशन यूज होता था, आज के समय में किस तरह का डेजिग्नेशन यूज होता है, सब मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे, जय जवान जय किसान।